नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा, सामान्य रोगों की डॉक्टरी सलाह के लिए ई संजीवनी ऐप का लाभ उठाएं जिलावासी। फरीदाबाद में आज 1037 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 45 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय जगत की ओर। कुछ देर हैक होने के बाद आईबी मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट रिस्टोर, जांच हुई शुरू। भाजपा को दूसरा बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान व भदरोही विधायक ने भी दिया इस्तीफा। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 7 साल से चल रहा है केस। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। बुजुर्ग ने फोन कर ट्रंप को जान से मारने की दी धमकी, हुई गिरफ्तार। श्रीलंका में महंगाई की मार, देश में 200 रुपए किलो आलू और 710 रुपए किलो बिक रही है मिर्च। राजनीतिक कार्टूनों की किताब पर सिंगापुर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। अर्जुन और मलाइका का हुआ ब्रेकअप, 4 साल से थे एक साथ। लड़की को हाय बोलने के लिए बिन बुलाए शादी में अचानक घुस गए मीका सिंह। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के बीच सेल्फी लेने की छिड़ी जंग, दोनों एक साथ एक ही लुक में सेल्फी लेते आए नजर। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। आईपीएल 2022 में इंग्लिश खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा पैसे कमाने का मौका। केपटाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की स्थिति मजबूत। साइना नेहवाल पर आपत्तिजनक ट्वीट पर एक्टर सिद्धार्थ ने मांगी माफी, कहा साइना हमेशा मेरी चैंपियन रहोगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज एनसीआर।